नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2022 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि बुध का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज बहुत ज्यादा बचकानी बातें करेंगे, बहुत ज्यादा सीरियस बातें नहीं करेंगे, मजाक ज्यादा करेंगे। जैसे आप अगर किसी के साथ वन साइड लव करते हैं, कोई आपको करता है, तो वहां पर आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी ही बनेंगी। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में आज के दिन जो मतभेद, जो झगड़े चल रहे हैं, उनमें काफी कमी आएगी। और उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से आप अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं अपने पार्टनर को, उस चीज को पार्टनर समझेंगे और उस बिहेवियर को, जो आपका गलत व्यवहार है, उसे नजरअंदाज करेंगे और आपको अपनाएंगे। बहुत अच्छी संभावना है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, क्योंकि बुध के नक्षत्र की स्थितियां ये दर्शाती हैं कि आपकी पुनः उनसे बात हो सकती है, फिर से स्थितियां सही हो सकती हैं, जो बात बिगड़ चुकी थी वो फिर से बन सकती है। मैरिड लाइफ की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। मैरिड लाइफ में खास करके जो आपको डर सता रहा था कि ये बात हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन और डर, एक अकाल भय सा, एक अकारण भय सा आपको परेशान कर रहा था, तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। आपको जितना एक आपके अंदर एक डर बैठा हुआ था कि इस चीज का, उतना आपको परेशानी नहीं हो पाएगी। वो भेद जो आप छिपा रहे थे वो छिपा हुआ रहेगा, या खुलने के बावजूद भी आपको उतना ओवर रिएक्ट अपने पार्टनर का नहीं दिखेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपाना चाहेंगे लेकिन छिपा नहीं पाएंगे, वो बात सामने आते ही बवाल हो जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन भूल से भी किसी के साथ डेट पर ना जाएं। लव लाइफ में शादी को लेकर के बातें होंगी, झगड़े होंगे, फैमिली को लेकर के बातें होंगी, झगड़े होंगे, कमिटमेंट को लेकर के बहुत झगड़े होंगे, बात बात पर छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन बहुत आएगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैरिड लाइफ में मतभेद की स्थितियां रहेंगी, कुछ आपसे बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो, आज का दिन खराब हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहस और झगड़े से बचना चाहिए और ज्यादा खर्चे भी नहीं करवाना चाहिए अपने पार्टनर का, यह स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो आज के दिन बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपको डबल क्रॉस कर सकता है वो व्यक्ति। लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की स्थिति भी परेशान कर सकती है और आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी से मिलना भी पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपके सामने आ जाए जो आपके पार्टनर से अभी बात कर रहा हो, या वो आपका कोई अपना, कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, जिस वजह से आपको तकलीफ और हो जाए। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपको अपने पार्टनर से बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन आज के दिन आपको अपने पार्टनर की भी बहुत केयर करनी चाहिए, नहीं तो आपको भी कुछ ना कुछ गलत समझ लेंगे आपके पार्टनर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पुरानी बातें बहुत परेशान कर सकती हैं रिलेशनशिप की, ये स्थिति है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप भूल से भी डेट पर ना जाएं। आज के दिन आपको बहुत बुरी स्थिति में जाना और बहुत वहां पर उलझ जाना, ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा पड़ेंगी। और लव लाइफ में तो अकारण परेशानियां, झगड़े, और आपको भी गुस्सा आएगा अपने पार्टनर पे, पार्टनर भी आपको गुस्सा करेंगे, जिससे आज दिन बहुत खराब भी देगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में स्थितियां बहुत अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपकी केयर करेंगे, बच्चों की वजह से मैरिड लाइफ में बहुत सुधार आता हुआ दिखाई देगा,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी बड़ी बात से झगड़ा शुरू होगा और सारी छोटी छोटी बातें और आ जाएंगी जो कि आपके पूरे दिन को और काफी समय तक बहुत आपको बेचैन करके रख सकता है। ये स्थिति है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। कोई आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है, कोई आपको बहुत प्यार करने लगा है। आज लव लाइफ में भी आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे, बहुत कदर करेंगे और आपसे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर पर बहुत गुस्सा भी आएगा और ईगो भी आपका बहुत बढ़ जाएगा। मैरिड लाइफ में अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई बड़ी गलती आपसे हो सकती है, कोई गलत फहमी बन सकती है। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में खास करके आपको शाम के वक्त में बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर के द्वारा कोई अच्छी बात बताई जा सकती है। मैरिड लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा सा नोकझोंक हो सकती है, लेकिन दिन ठीक रहेगा। ये स्थिति दोस्तों। आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन कोई आप पर बहुत ज्यादा भरोसा जताएगा, कोई आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। लव लाइफ में वहीं आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा ऐसे झगड़े की स्थिति बनेगी, वाणी में अभद्रता हो जाएगी, या ये कह लीजिए कि वाणी में ना समझता, मतलब व्यक्ति ऐसे बिहेवियर को दर्शाए, ऐसी बातें करे, अनमेच्योर बातें करे जिसमें आपको लगे कि ये एक बचकानी बातें हैं, जिसमें एक समझदारी वाली बातें नहीं दिख रही हैं। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाहेंगे, आपसे डाइवोर्स की बातें करने लगेंगे। बहुत ज़्यादा उनका माइंड बहुत ख़राब होगा, जिससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर से निकलेगी और आप दोनों ही इससे परेशान रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर सुबह के वक्त में स्थितियाँ थोड़ी अच्छी करेंगे, लेकिन शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ हो जाएंगी। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो दिन सामान्य है, लेकिन लव लाइफ में पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेगा और वो आपकी हर बात मानेगा, आपकी हर तरफ से कदर करेगा, केयर करेगा और अपनी फैमिली को भी आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव आपकी ओर दिख रहा है और मैरिड लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियाँ पार्टनर देने की कोशिश करेगा। आपको कुछ चीज़ों को समझाना भी चाहेगा, बताना भी चाहेगा, सिखाना भी चाहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन बहुत खर्चे हो सकते हैं, जिस वजह से झगड़े भी बढ़ सकते हैं। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के साथ में बहुत ज़्यादा खर्चे करें या करवाएं तो झगड़े हो जाएंगे। लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में दोनों में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम होगी और कोई लीगल प्रॉब्लम भी, या कहीं से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपको बड़ी बैड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप की स्थिति खराब हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहस हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत प्यार रहेगा, यहाँ पर आप मुलाकात भी कर सकते हैं आज के दिन। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं मकर राशि वालों। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप भूल से भी किसी के साथ डेट पर ना जाएं। लव लाइफ में पार्टनर बहुत केयर करेगा, गिफ्ट उपहार दे सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपका बहुत अपमान करेंगे, आपको नज़रअंदाज करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत हर्ट कर सकते हैं पार्टनर और आपकी आज कोई भी बात नहीं मानेंगे, जिस वजह से आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लव लाइफ में आपको हर प्रकार से आपके पार्टनर का प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए स्टैंड लेंगे वो, आपको कमिटमेंट देंगे और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव आपके लिए दिख रहा है। रिश्ते में नई उमंग, नई ऊर्जा दिखेगी। मैरिड लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन मैरिड लाइफ में आपको भी बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में, अपने व्यवहार में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, जिससे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी और आपके जीवन में एक नई धारा का प्रवाह होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपको अपने पार्टनर पर भरोसा बढ़ा देना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन
आप डेट पर जा सकते हैं, पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाएगा, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मैरिड लाइफ में हंसी मजाक ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं खास करके ससुराल पक्ष वालों से, नहीं तो नाराज हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज कुछ लोग जो आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं वो आपका मजाक बना सकते हैं, आपके रिश्ते का मजाक बना सकते हैं, चार लोगों में आप इंसल्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आज आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशि फल। अगर आपको आज का लव राशि फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।